नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। और आज का टॉपिक है इडियम फ्रेज जो एच से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हैं। तो आपके सामने ये लिस्ट है, मैं दिखा देता हूँ। ये सब हम लोग को करना है बस चंद मिनटों में। ये सब देखिए, कुछ फिगर भी हैं लास्ट में जो आपको दिक्कत करते हैं उन सब के लिए, बाकी बहुत ईजी है। तो ये जितना भी लिस्ट है, आप ये चाहें तो आप MB प्रकाशन बुक से ये सब उतार सकते हैं सब, और उसमें रिविजन कर सकते हैं। MB प्रकाशन बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, और SSC की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश आप पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ें। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश बहुत ही आसानी से हो सकती है। तो इडियम फ्रेज करके, वन वर्ड करके, एंटोनेम सिनोनिम और हर सेट का उसमें अगर वर्ड याद करके, और साथ में ही जितना भी ग्रामर उसमें रूल दिया हुआ अगर देख ले थोड़ा सा छोटा सा ही उसमें, और सेट बनाए, तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा से हो सकता है। और ज़्यादा मेहनत भी उसमें नहीं लगेगा कि आपको पूरा शुरू से पढ़ना है ग्रामर, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जितना उसमें दिया हुआ है उसको थोड़ा सा रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको पालन कर लें तो बहुत अच्छा हो सकता है आपका इंग्लिश, और अच्छे मार्क्स आएंगे। फिलहाल मैंने सीरीज शुरू कर दी है इडियम फ्रेज की, जिसमें A से लेकर के G तक डाला हुआ है और T से लेकर के Z तक लास्ट में मैंने डाल दिया है। तो आज बारी है H की, जो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। तो नए जो व्यूअर हैं, जो आप पहली बार वीडियो देख रहे हो सकता है, तो आप इस वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, या फिर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके, वो मिशन इडियम फ्रेज मैंने नाम दिया है प्लेलिस्ट का, उसमें से आप देख सकते हैं। साथ में आप सभी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो के एंड में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है। पहला है हील एंड हर्टी। हील एंड हर्टी का मतलब था पूरी तरह स्वस्थ। यहाँ पे हील मतलब होता है कि हील का मतलब ही होता है भर जाना, स्वस्थ हो जाना, ये होता है। अगर आप क्लैश ऑफ क्लैन खेलते हैं तो एक हीलिंग स्पेल होता है, जो मतलब कि अगर आर्मी पे डाल दिया जाए तो जितना उनका मतलब कि एनर्जी लॉस हुआ होता है वो क्या होता है, फिर से फील हो जाता है। तो हील मतलब होता है कि घाव भर जाना, स्वस्थ हो जाना। तो स्वस्थ होना यहाँ पे, और हील एंड हर्टी पूरी तरह स्वस्थ होना, ठीक है, दिल से पूरा एकदम चंगा हो जाना। आगे है हाफ ब्रैकेट, हाफ बेग्ड। हाफ बेग्ड है, यहाँ पे जब भी हाफ आएगा, यहाँ पे देखिए हाफ है, देख बिना बिना एक वर्ड जुड़ जाता है, ठीक है। आगे है हाफ बेग्ड, मतलब बिना अच्छी तैयारी के या बिना योजना के। इसका आप याद कर सकते हैं बेग्ड को बेकार, बेकर कर सकते हैं बेकर, तो बेकार का काम, बेकार का योजना, ऐसे याद कीजिए। हाफ बेकार मतलब बेकार की योजना, बेकार की योजना यानी कि अच्छी योजना नहीं है, और मीनिंग भी यही कह रहा है कि बिना अच्छी योजना के, यानी कि बेकार की योजना। हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड जो है बिना उत्साह के, आधे अधूरे मन के, तो ये हो गया बिना। और हार्ट ये जो है इडियम फ्रेज में कभी भी सीधा सीधा मीनिंग बहुत कम मिलता है, तो हार्ट मतलब हो गया आपका मन, यहाँ पे होना चाहिए दिल लेकिन हो गया मन, तो बिना मन का ये हो गया, ये बिना और ये मन, तो बिना मन का, या देखिए बिना मन का या बिना उत्साह का, तो ये हो गया हाफ हार्टेड। आगे है हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स मतलब होता है बहुत अधिक वाद है विवाद। यहाँ पे देखिए हैमर मतलब होता है कि हथौड़ा, और टोंग हो गया आपका जुबान, तो एक ऐसा लड़ाई जिसमें जुबान भी चल रहा है और फैटा फैटी भी हो रहा है, मतलब कि पूरा मुक्का मुक्की हो रहा है, तो वो लड़ाई क्या हुआ, बहुत अधिक वाद विवाद हो जाता है। सिर्फ अगर जुबान चल रहा है तो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, लेकिन वो मुक्का मुक्की चारी हो गया है तो बहुत अधिक विवाद हो गया, सीधा समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ हैंड इन ग्लोब। हैंड इन ग्लोब मतलब होता है बहुत अधिक नज़दीकी संबंध। यहाँ पे ग्लोब का मतलब होता है दस्ताना, और दस्ताना को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो होता है दोस्ताना, दोस्ताना याराना, यानी कि दोस्ती। और दोस्ती क्या होती है, बहुत नज़दीकी बात होती है ना, कि अगर मेरे दोस्त है मतलब कि हमारे बहुत नज़दीक रहता है, हमेशा मेरे साथ आता जाता रहता है, कहीं घूमते हैं हम लोग साथ में, घूमते हैं कुछ शेयर करते हैं, तो मतलब नज़दीकी कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाएगी आपके ग्लोब के दस्ताना से, दस्ताने यानी दोस्ती से, तो ये हो गया हैंड इन ग्लोब। आगे है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब ही होता है साथ साथ, ये ऑलरेडी जी से आ चुका है, ऐसे भी मीनिंग सीधा सीधा दिख रहा है, हैंड इन हैंड साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत गरीब। यहाँ पे ऐसा फीलिंग कह रहा है, मीनिंग कह रहा है ऐसा कि ऐसा आपका हालत हो गया है, ऐसा हालत हो गया है, इस मीनिंग के अनुसार ऐसा हाल हो गया है कि आप निवाला नहीं ले पा रहे, यानी कि निवाला लेने के लिए भी आपको पैसा होना चाहिए, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप कुछ खा सकें। हैंड टू माउथ, आपको हाथ से खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ये कह रहा है, मतलब बहुत गरीब। आगे बढ़ते हैं, विन हैंड्स डाउन। विन हैंड्स डाउन, कभी ये जो ब्रैकेट वाला कभी भी इडियम फ्रेज देखिएगा, मतलब ये होता है इसका मतलब
कि ये तो साथ में हो सकता है या फिर सिर्फ हैंड डाउन हो सकता है। मतलब दो तरह के इडियम फ्रेज पूछते हैं, एक या तो पूछेगा विन हैंड्स डाउन लगातार, और या फिर विन हटा देगा पूछेगा हैंड्स डाउन। तो दोनों का दोनों सेम मीनिंग होता है आसानी से। ओके, यही है आसानी से जीतना, हैंड्स डाउन। सीधा साहब बोलते कहते हैं ना कि कोई काम करना है, अरे इसमें हाथ उठाने की आ जाता है, नीचे नीचे उठ जाएगा ही, तो मतलब बहुत आसानी से है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ये हो गया हैंड्स डाउन आसानी से। आगे बढ़ते हैं हैंग बाई ए थ्रेड। हैंग बाई ए थ्रेड का मतलब होता है बहुत नाजुक संतुलन में। यहाँ देखिए हैंग मतलब समझिए कि लटकाना, और यहाँ पे हो गया थ्रेड मतलब होता है धागा। तो ऐसा समझिए कि धागा तो कमजोर माना जाता है, धागा क्या होता है थोड़ा सा अगर तान दिया जाता है टूट जाता है, और ये रहा आपका हैंग लटका हुआ है। तो धागा से कोई चीज़ अगर लटका हुआ है तो समझिए कि संतुलन की स्थिति में, सीधा सीधा मतलब यही हुआ, संतुलन की स्थिति में है वो, तभी तो यहाँ से सीधा सीधे फिली निकलेगा, कोई धागा से कोई चीज़ लटका हुआ है यानी संतुलन में है, जहाँ थोड़ा सा बार बार भार बढ़ाएं वो क्या हुआ धागा टूट जाएगा, बहुत ही नाजुक है संतुलन में है। आगे बढ़ते हैं हैंग डॉग एक्सप्रेशन। हैंग डॉग एक्सप्रेशन का मतलब भावनाओं की अप्रिय एवं अस्पष्ट अभिव्यक्ति। यहाँ पे हैंग डॉग का मतलब समझ लीजिए कि किसी डॉग को क्या कर दिया, हैंग कर दिया गया है, मतलब कुत्ता को क्या कर दिया जाएगा, उसको लटका दिया गया पकड़ के। तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसा एक्सप्रेशन होता है वो जरा इस मीनिंग में देखा जाए। अगर किसी कुत्ते को लटकाया जाता है तो वो उसका तो पहली बात को अगर कुत्ता को लटका रहे हैं तो वो तो अच्छी बात नहीं है, उसके साथ अप्रिय हो रही है, प्रिय उसके लिए नहीं है, बहुत ही अप्रिय है। ठीक है, अब देखिए उसका भावना कैसा होगा, एक्सप्रेशन मतलब भावना ही होता है, भावना कैसा होगा, वो साफ साफ दिखाएगा कि वो अच्छा उसके साथ नहीं हो रहा है, वो अपना अभिव्यक्ति दर्शाएगा। आप ऐसे तो भावनाओं की अप्रिय एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति इस मीनिंग से सीधे दिख जाएगा, डॉग को उल्टा लटकाना, डॉग को मतलब कि कान पकड़ के लटकाना, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ अजीब सा होगा जो वो दिखाएगा, चाहेगा मतलब उसका एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। अगर लटकाते हैं या तो काय काय करेगा, तो उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, बता रहा कि मेरा छोड़ दो मुझे ऐसा। आगे है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर नियम या कानून। यहाँ पर देखिए हार्ड का मतलब यहाँ भी हार्ड आएगा, यहाँ देखिए हार्ड, यहाँ भी कठोर के लिए है, देखिए कठोर काम, बहुत कठोर काम जो करना मुश्किल हो, यहाँ भी देखिए हार्ड, यहाँ भी कठोर नियम या कानून। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि भारत में जो कानून है, ऐसे तो बहुत मतलब कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून से कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो उसमें फंस जाएगा, फंसता ही है, ऐसा कर दीजिए फंसता ही है। तो हार्ड मतलब कठोर, और कानून से कोई अगर भारत में कानून से कोई खलवाड़ किया तो कानून का उसने फंसता ही है, कानून में वो फंस जाएगा, फंसता है, फंसता फॉर फास्ट। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, ताकि आपको मैं अभी रिविजन कर रहा हूँ तो आपको कम से कम याद आ जाएगा, और परमानेंट भी याद आ जाए। परमानेंट याद रखना चाहते हैं एग्जाम के टाइम, कम से कम एक दो बार रिविजन कर लेंगे तो ये कभी आपको दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ। आगे है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कोई काम जिसे करना बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ पर देखिए नट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे समझिए कि नट जो है बादाम टाइप का, या फिर अखरोट मान लीजिए, अखरोट जो बहुत ही टाइट है, हार्ड है, और उसको आप चाह रहे हैं कि दांत से उसको क्रैक कर दें। तो अगर अखरोट आप दांत के पास ले जाते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, तो हो गया क्या, बहुत मुश्किल काम हो गया, वो दांत से तोड़ने जा रहे हैं ना अखरोट को, तो बहुत मुश्किल काम हो गया। यही इसका मतलब ही निकल रहा है, कोई काम जिसे करना बहुत मुश्किल हो सकता है हो जाए, लेकिन मुश्किल तो है ना, दांत के पास, हो सकता है कि अब दांत ही टूट जाए। चलिए आगे बात करते हैं, पहले इतना हम लोग रिविजन कर लेते हैं अच्छा रहेगा, ताकि पहले इसका मैं इतना है इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, ताकि पता चले कि हम लोग यहीं पे थे, यहाँ पे हार्ड टू क्रैक। अब मैं क्या करूँगा कि इधर जो पार्ट है उसको मैं ढक देता हूँ, ताकि मैं हम लोग मिनी नार देख पाए। ठीक है, और आशा रहेगी कि हमसे पहले आप लोग बोलेंगे। चलिए ये मैंने ढक दिया। पहला है हील एंड हर्टी। हील एंड हर्टी मतलब क्या होता है कि हील मतलब स्वस्थ होना, भर जाना, घाव भर जाना, और दिल से स्वस्थ होना, दिल से चंगा हो जाना, मतलब बहुत अधिक स्वस्थ हो जाना, बहुत सक्रिय हो जाना, ये भी हो सकता है। हाफ बेक्ड, तो बेक्ड फॉर डॉग को कभी कभी रॉ भी बोला जाता है, रॉ, तो बेकर, बेकार का काम यानी कि बेकार की योजना। आगे हाफ हर्टेड, ये देखिए हाफ मतलब हो गया क्या, बिना बिना मन का, यहाँ पे बिना मन का हो जाएगा कि हर्ट जो है मन का दर्शाता है, तो बिना मन का, तो ये बेकार का, ये बिना मन का, बेकार का
बी नंबर का। आगे बढ़ते हैं हैमर एंड टोंग्स। तो हो गया वाद विवाद, मैंने बताया था कि जुबान भी चल रहा है तो मुक्का मुक्की भी हो रहा है, तो ये हो गया वाद विवाद। हैंड इन ग्लोब की बात करते हैं। ग्लोब मतलब दस्ताना होता है, दस्ताना फॉर दोस्ताना, और दोस्त लोग से साथ जानते हैं कि बहुत नज़दीकी संबंध होता है। हैंड इन हैंड मतलब कि साथ साथ होता है, मीनिंग साफ दिख रहा है इसमें। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मतलब क्या हो जाता है कि बहुत गरीब, इतना गरीब कि आप अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहे। माउथ मतलब क्या दिखा रहा है, मुँह नहीं खाना कह रहा है, ये फीलिंग दर्शा रहा है। कभी भी इडियम फ्रेज को सीधा सीधा मत समझिए, उसका फीलिंग देखिए क्या कह रहा है। वो माउथ यानी कि खाने के बारे में कह रहा है, और हैंड यानी कि आपका मन कि पैसा, खाने के लिए पैसा नहीं होना। आगे है विन हैंड्स डाउन। विन हैंड्स डाउन मतलब हो गया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ नीचे नीचे सब हो जाएगा, नहीं बहुत आसान काम। आगे है हैंग बाय ए थ्रेड मतलब कि कोई भी चीज़ जो है धागा से लटका हुआ है। धागा जानते हैं कि बहुत नाजुक होता है, तो नाजुक स्थिति, नाजुक एवं संतुलन स्थिति में इसका मीनिंग हो जाएगा। आगे हैंग डॉग एक्सप्रेशन। हैंग डॉग एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कुत्ते को अगर कान पकड़ लटका देते हैं उसके साथ अप्रिय घटना हो रही है और वो अपना स्पष्ट अभिव्यक्ति दर्शाएगा ही, सिंपल से इसका मीनिंग है। आगे हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या कि हार्ड तो मतलब कठोर, और कठोर के बाद यहाँ पे मैंने फास्ट का मैंने बताया फंसना, फंसता है जो कानून के, कानून से खिलवाड़ करता है, तो कानून बहुत कठोर कानून हो जाएगा। आगे है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का ये हो गया, आप मैंने अखरोट की एग्जांपल दी थी कि कट अखरोट आपने दांत के पास रखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कठिन काम है, तो मुश्किल काम होना, नो डाउट याद हो गया है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से। हार्ड अप मतलब होता है पैसे का अभाव। यहाँ पर देखिए फिर से ये हार्ड और ये अप हो गया। अच्छा एक बात करते हैं कि बहुत मतलब कि धीरे धीरे उठना, इसका मतलब क्या समझते हैं कि इसका दो मीनिंग निकलता है। एक तो हो सकता है कि बीमार है उठ नहीं पा रहा है तो उसको धीरे धीरे उठाया जा रहा है, और दूसरा मीनिंग ये हो सकता है कि गरीब है धीरे धीरे वो मतलब कि अपना धनी हो रहा है, धीरे धीरे अमीर हो रहा है, तो वो उठना हुआ एक। तो यहाँ पे है हार्ड अप मतलब उठना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप अमीरी वाला भाव से देखें तो ये हो गया क्या कि पैसे का अभाव है, तभी तो वो अमीर नहीं बन पा रहा है, इसलिए उसको उठना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर उसके पास पैसा आ जाए तो वो फट से उठ जाएगा, मतलब इजी टू अप हो जाएगा उसके लिए। लेकिन मैं खुद से ही इडियम फ्रेज नहीं बना सकता, जो इडियम फ्रेज पहले से मैं बता रहा हूँ, हार्ड अप मतलब हो गया पैसे का अभाव। आगे बढ़ते हैं नॉट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। यहाँ पर देखिए लगातार भी हो सकता है या फिर ये छोड़ छोड़ के भी ये सिर्फ इतना ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेड और टेल ऑफ समथिंग, ये कह रहा है कि ना सिर का पता है ना मतलब कि एकदम पूँछ का, ना सिर का पता है ना पूँछ का, ना सर है ना पाँव है, ये एम मीनिंग कह रहा है। तो ना सर का पता चल रहा है ना पाँव का पता चल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्लियर हो जाएगा इसे। आगे बढ़ते हैं हैव ए फिंगर इन एवरी पाई। यहाँ पे जब पाई का मीनिंग निकालेगा तो खिचड़ी इसका मीनिंग होता है, तो अपना उंगली जो है बहुत सारे खिचड़ी में, एवरी सभी खिचड़ियों में उंगली डालना, तो आप समझ लीजिए कि एक खिचड़ी में नहीं है, एक खिचड़ी यहाँ पे काम कह रहा है, एक काम में आपका एक उंगली नहीं है, सारे खिचड़ी सारे काम में आपका उंगली है, तो बहुत सारे कामों में संलग्न होना, उसमें इन्वॉल्व होना। आगे है हैव ए ग्रीन थंब। हैव ए ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी करने का असाधारण गुण। यहाँ पे ग्रीन का मतलब होता है, समझ रहे हैं ना, ग्रीन फीलिंग दर्शा रहा है क्या बागवानी का, तो यहाँ ग्रीन थंब बागवानी के लिए हो जाएगा। हैव ए वे विथ वर्ड्स। हैव ए वे विथ वर्ड्स मतलब होता है शब्दों के इस्तेमाल में कुशल। यहाँ देखिए वर्ड्स मतलब हो गया शब्दों, वे हो गया एक तरीका, तो शब्द बोलने का एक तरीका, जिसमें ये जो एग्जांपल बता रहा हैव है मतलब उसके पास है, शब्द बोलने का तरीका है, यानी कि वो शब्दों के इस्तेमाल में क्या है, कुशल है, मीनिंग निकाले निकल जा रहा है। आगे है हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है बार बार ये आता है, ये वाला चीज स्लीव्स, ये जो है इतना मतलब कि एग्जाम एडियन से भरा हुआ स्लीव्स है, हर बार एक ही चीज निकलता है, इसका मतलब होता है गुप्त, मतलब कि छुपाना, गुप्त, रहस्य, इस टाइप का मीनिंग हमेशा रहता है स्लिप्स का। देखिए हैव समथिंग अप वंस स्लिप मतलब कोई गुप्त योजना रखना, यहाँ भी है गुप्त, ओके याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन में इडियम फ्रेज में। हैव द लास्ट लाफ, इस देखिए मीनिंग, पहले ये अगर नहीं देखे हैं तो क्या लग रहा है कि लाफ यानी हंसा, कब हंसा, अंत में हंसा, हंसना मतलब कि खुशी होता है, खुशी यानी कि सफल होना, आदमी कब खुश होता है, कब हंसी आता है उसको, जब वो सफल हो जाता है, चाहे वो मजाक ही करना हो, मजाक करने में अगर सफल हो जाता है तो भी हंसी आती है, या फिर परिश्रम कर रहे हैं आप भी तो परिश्रम कर रहे हैं
कंपटीशन के लिए, तो आप भी एक दिन सफल होते हैं तो आप भी खुश होते हैं, तो लेकिन वो लास्ट स्टेज में, तो ये लास्ट अंत में सफल होना, अंततः सफल होना, इस तरह बोल सकते हैं। आगे है, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब एक साथ बहुत सारे काम हाथ में लेना। यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि हैव मतलब है क्या, बहुत सारे मैनी बहुत सारे आयरन्स मतलब कि कुछ मतलब कि लोहा ले लेना, लोहा लेना ऐसे समझो कि कुछ लोहा लेना, ये तो मुहावरा है हिंदी में ना, लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, तो यहाँ भी ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारा मुकाबला के लिए मतलब काम ले लेना, तो बहुत सारा मुकाबला मैनी आयरन्स इन द फायर बहुत सारे काम हाथ में ले लेना। आगे है हेड ओवर हिल्स, यहाँ पे हिल्स मैंने बताया था ना स्वस्थ होना भर जाना, तो देखिए सर तक भर जाना, सर तक भर जाना मतलब क्या हुआ, पूरी तरह डूब जाना, पूरी तरह डूबा हुआ। आगे है हर्ट इन योर माउथ, हर्ट इन योर माउथ का मतलब तो भयभीत या डरा डरा हुआ, हर्ट मतलब क्या होता है दिल, अपने बहुत लोगों को बोलता बोलते हुए सीखा होगा कि अरे यार दिल तो जैसे मुंह में आ गया, यार दिल तो जैसे बाहर निकल गया था मेरा, तो ये कब होता है, जब आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, अचानक से डरा दीजिए किसी को तो क्या होता है, उसका दिल जो है अचानक से पूरा बीट करने लगता है, या फिर उसका एक्सप्रेशन निकलेगा, अरे यार तुमने इतना डरा दिया कि मेरा दिल जो है एकदम बाहर निकल गया था, मुंह में निकल गया था, गले से बाहर आने वाला था बस, तो बोलने का अपना एक एक्सप्रेशन है, वो बताते हैं कि बहुत अधिक डर गए थे। हार्ट टू हार्ट टॉक, ये देखिए कितना अच्छा मीनिंग है, हार्ट टू दिल से दिल की बात, ये तो दिल से दिल की बात बिना कुछ छुपाए ही होती है, तो ये नो मीनिंग बहुत आसान है ये। हैवी हैंडेड, हैवी हैंडेड मतलब दमनकारी अत्याचारी भरा तरीका, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी देख लीजिए इसको, हैंड मतलब हाथ और हैवी मतलब भारी हाथ, तो भारी हाथ का इसका मीनिंग सीधे सीधे बता रहा है कि किसी पर जमा देना, भारी हाथ जमा देना तो उसको चोट लगेगा ही, अगर मान लीजिए थप्पड़ ही मारते हैं भारी हाथ करके तो बेचारे के साथ अत्याचार हुआ, तो ये फिर अत्याचार का हो गया हैवी हैंडेड। आगे है हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब हो गया अकेला एवं निस्सहाय। अब इसको याद करना है तो पहले एक बार ऊपर चला था, ठीक है इतना पहले हम रिविजन कर लेते हैं, तो यहाँ से फिर से हम लोग इसको थोड़ा दूसरा कलर कर लेंगे ताकि ब्लैक मिक्स ना हो, इसको हम कर लेते हैं, चलिए ये कलर ठीक है कर देते हैं इसको। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो मीनिंग है उसको हम लोग ढक देंगे ताकि इसका भी हम लोग कर सकें। डिलीट कर देता हूँ, फिर से लाता हूँ, इंसर्ट, चलिए इतना पहले देखते हैं, फिर नीचे दूसरा पेज इसलिए नहीं हो रहा। चलिए हार्ड अप मतलब होता है कि मतलब कि इतना मुश्किल कि उठ नहीं पाए, तो उठना मुश्किल है पैसे के अभाव में। आगे है हेड और टेल ऑफ समथिंग, ये वाला तो ये हो गया न सर का पता चल रहा ना पाँव का, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैव ए फिगर इन एवरी पाई मतलब हर खिचड़ी में उंगली होना, यानी बहुत सारे काम में मतलब इन्वॉल्व होना, मतलब संलग्न होना। हैव ए ग्रीन थंब यानी बागवानी करना, ग्रीन से बागवानी संबंध निकल रहा है। आगे हैव ए वे विथ वर्ड्स, यानी कि ये हो गया कि आपका बोलने में कुशल, क्योंकि उसको उसके पास शब्दों को यूज करने का तरीका है, बोलने में कुशल। अब आगे इसको चीज हम जल्दी से ढक लेते हैं, आगे है हैव समवन समथिंग अप वन स्लीव, यहाँ पे स्लीव है तो स्लीव से आप मतलब निकालिएगा कि कोई गुप्त रखना, गुप्त योजना गुप्त रखना, ये हो गया। हैव द लास्ट लाफ यानी कि खुशी, अंततः खुश होना, अंततः सफल होना। हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर यानी कि आपने बहुत सारे लोहा ले लिया, बहुत सारे काम को ले लिया, बहुत सारे काम मुश्किल काम तो मुश्किल हो गया आपके लिए ऐसा। हेड ओवर हिल, हेड ओवर हिल्स यानी कि सर तक डूबा हुआ होना, ये हिल्स मतलब भर जाना ये भी होता है और स्वस्थ होना भी होता है। आगे है हर्ट इन योर माउथ यानी कि आपका जो दिल है माउथ में आ जाना, ये हो गया बहुत अधिक डरा हुआ होना। हार्ट टू हार्ट दिल से दिल की बात यानी कि बिना कुछ छुपाए बता देना। हैवी हैंडेड, हैवी हैंडेड का मतलब होता है
कि हाथ जमा देना किसी पे, यानी कि मतलब हाथ भारी कर देना, तो उसके साथ अत्याचार होना इसका मतलब है, नो डाउट याद है। अब छोटा सा रह गया है ये हाई एंड ड्राई, मतलब होता अकेला एवं निस्सहाय। यहाँ पे देखिए हाई एंड ड्राई कैसे याद होगा, चलिए मानते हैं ड्राई, ड्राई हाई को पहले मतलब ऊंचा होता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को मान लीजिए आप ऊंचे स्थान पर ले गए, पहाड़ पे ही ले लीजिए, कोई जंगल भरा पहाड़। और यहाँ पे ड्राई, ड्राई मतलब क्या होगा, थोड़ा सा हिंदी में पढ़िए तो डराई, डराई अच्छा भोजपुरी वर्ड हो गया, सॉरी भोजपुरी मतलब हो गया डराई। डराई मतलब क्या होता है, डराना। अरे यार पहाड़ पर ले जाता जरूर तो रखे, डराई तो बच के रहिए। तो डराई यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अकेला तभी तो अच्छा, डरान कब आदमी डरता है, जब वो अकेला हो, तो डराई डरा डरना यानी कि अकेला होगा तो डरता है आदमी, डराई। हाई एंड ड्राई, हाई एंड लो, देखिए कन्फ्यूजन कराता है इसलिए मैं इसको ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है। हाई एंड लो हर जगह, ऊपर हो या नीचे हो हर जगह, आए दाएं बाएं सब जगह, ऊपर नीचे बाएं दाएं सब हर जगह। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड फिर से आ गया, उदंड अभिमानी, मैंने बताया था ना हैवी हैंडेड हाई हैंडेड मिलता जुलता है, तो ये देखिए हाई हैंडेड तो ये उदंड अभिमानी दिखावा करने वाला, इस टाइप का मीनिंग निकलेगा इसे। आगे हीट और मिस, हीट और मिस मतलब होता है अनिश्चित, यहाँ पे कह रहे हैं कि या तो आज हीट होगा नहीं तो मिस होगा, मतलब लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। तो कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप निशाना लगा रहे हैं, तो चलो भाई हीट होगा नहीं तो मिस होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप निश्चित नहीं है इसलिए इसको हो गया अनिश्चित। हिट द बुल्स आई मतलब सटीक, यहाँ देखिए बुल्स आई मतलब क्या, सांड की आँख, और सांड की आँख में आप कर दिए हिट कर दिए, तो सीधे से जाके आँख में हिट हुआ है तो हो गया सटीक निशाना, सटीक हो गया ये। हिट द नेल ऑन द हेड, चलिए फिगर देखते हैं, फिगर के अनुसार अगर देखा जाए तो मीनिंग आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। यहाँ देखिए कह रहा है हिट द नेल, यहाँ थोड़ा मैंने फिगर बड़ा कर दिया, हिट द नेल अबव ऑन द हेड यानी सटीक एवं समय पर। चलिए मीनिंग को थोड़ा सा मतलब आपको समझाता हूँ कि एक आदमी ऐसा है जो मतलब कि बिल्कुल उसको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको याद दिला रहे हैं, ये हथौड़ा मार के ये मत देखिए कि उसको मतलब कि टॉर्चर कर रहा है, उसको मतलब घायल कर रहा है, ऐसा मत सोचिए, ऐसा समझिए कि आदमी जो भूल गया है, तो बगल वाला आदमी क्या कर रहे हैं, उसको दिमाग में कुछ मतलब कि प्रेशर डाल के उसको याद करवा रहा है, ऐसा कुछ फील कीजिए। तो हो गया सही समय पर याद कराना, सटीक एवं सही समय पर सिर्फ, ओके सटीक एवं सही समय पर। चलिए आगे है हैप्सन्स चॉइस, हैप्सन्स चॉइस मतलब होता है व्यवहारिक रूप से विकल्प नहीं होने की स्थिति। हैप्सन्स चॉइस एक कार्टून भी है फ्रेंड, कार्टून में आता था मतलब कॉमेडी टाइप, कॉमेडी आता था तो कॉमेडी है सॉरी। तो हैप्सन्स जो है एक व्यक्ति का नाम है, और उसमें कहेंगे दिखाता है क्या कि वो आदमी जो है जब भी कुछ चॉइस करने जाता है मतलब चुनने जाता है, तो पता चलता है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ एक चीज़ बचा हुआ है, अब उसके पास कुछ विकल्प ही नहीं है। अब आप ही के पास है, मान लीजिए एग्जाम में, एग्जाम में तो आपको चार ऑप्शन देता है, तो आपके पास चार विकल्प हैं, लेकिन ऐसा होने लगे कि एग्जाम में हर क्वेश्चन के नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन दे, तो विकल्प कहाँ हुआ, वो तो एक सीधा सीधा आंसर ही होता है ना। तो चॉइस के लिए कुछ नहीं बचना, उसको बोलते हैं ऑप्शंस चॉइस, ऑप्शंस चॉइस विकल्प नहीं होने की स्थिति व्यवहारिक रूप से। होल्ड ए कैंडल टू, चलिए होल्ड ए कैंडल टू मतलब समतुल्य होना, इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे आप याद कीजिएगा, यार यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कैंडल और होल्ड मैंने कि सभी ने होल्ड किया हुआ है कैंडल को, यानी हो गया कि सभी एक साथ खड़ा है, सभी एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं, तो कैंडल मार्च टाइप याद कर लीजिए कि होल्ड ए कैंडल टू, सभी एक साथ समतुल्य खड़े हैं कैंडल लेकर के, सब एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए होल्ड कैंडल टू। आगे है फिर है आगे होल्ड वाटर, होल्ड वाटर मतलब होता है सही एवं तार्किक होना, यहाँ पे होल्ड वाटर मतलब सही एवं तार्किक होना। यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ कि आपने महाभारत देखी है, भीष्म पितामह जो है अपने हाथ में पानी लेकर के भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, तो अपने हाथ में होल्ड करते हैं क्या, वाटर, वाटर होल्ड करते हैं और बहुत ही सही प्रतिज्ञा लेते हैं, सही एवं तार्किक होना, इस टाइप को याद कीजिए, तार्किक होना सही होना। तो ऐसा मान लीजिए कि अच्छा इसको एक एग्जांपल घटा दीजिए तो सूट नहीं कर रहा, तो ऐसे मान लीजिए कि अभी गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन में बहुत थक हार के घर पहुंचते हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो पानी चाहिए होता है तो आपको पानी मिलता है, तो पानी क्या आपके लिए बहुत सही है, इसलिए सही, ठीक है।
आगे आगे बात करते हैं होल एंड कॉर्नर मेथड। तो होल एंड कॉर्नर से साफ मीनिंग निकल रहा है गुप्त, गुप्त यानी कि मतलब छुपा के ऐसा कुछ, होल एंड कॉर्नर। और ये रहा मेथड, तो हो गया मेथड यानी कि कोई तरीका, तो गुप्त तरीका, बेईमानी तरीका मीनिंग निकल जाएगा, नहीं डाउट होगा आपको, विश्वास रखिए। आगे है हुक लाइन एंड सिंकर। हुक लाइन एंड सिंकर मतलब होता है पूर्ण विवरण, यहाँ देखिए पूर्ण विवरण, या फिर उसको आप कैसे भी कह सकते हैं कि पूरी तरीका से, पूर्ण विवरण से, पूर्ण तरीका से, मतलब उसको पूरा वर्णन करना है इस टाइप से, कैसे हुआ, कैसे ये क्या हुआ। तो हुक लाइन एंड स्टिकर सिंकर से जरा फिगर देखिए, एक लड़का है जो मतलब हुक लिए हुए है और एक लाइन से उसको मछली को मार रहा है। तो ये हो गया क्या, एक एक पूरा एक मतलब कि सटीक तरीका हुआ, पूर्ण मतलब अपना विवरण दे रहा है कि मैंने देखो ऐसे ऐसे मछली मारा। खैर इस मीनिंग को हटा दीजिए, मतलब नहीं इसका, जरा हुक लाइन एंड सिंकर पूर्ण विवरण। एक तो हो सकता है कि दिक्कत करे, तो आप टेंशन ना ले, जो दिक्कत करे फटाक से उसको नोट कर लीजिए। ओके, होप स्किप एंड जंप, इसका मतलब बहुत नज़दीक, होप स्किप एंड जंप। अब जा रहे हैं इस फिगर देखिए, होप स्किप एंड जंप के लिए यहाँ पे एक लड़का जो है वो दौड़ते हुए आ रहा है, होप पहले मान लीजिए HOPE रहा था, होप आशा, उस आशा करते पहले कि हाँ हो जाएगा, फिर वो स्किप यानी कि स्किप मैंने कि फिर सोचता है नहीं नहीं हो पाएगा, सोचता है कि नहीं हो पाएगा, फिर पूछता है कि आशा है हो जाएगा, फिर क्या करता है कि जंप लगा लेता है, जंप लगा लेता है तो पता करता है अरे यार तो हो गया, यानी कि क्या हुआ, बहुत नज़दीक पहुंच गया वो जंप लगाने से। अच्छा छोड़िए, इस एग्जांपल को भी छोड़ दिए, तो सीधा सीधा जंप ले लीजिए, और जंप लगाने से आदमी क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, यहाँ से जंप लगाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और आपको यहाँ पहुँचना था तो आप तो बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे ना। तो होप स्किप एंड जंप, आशा छोड़ो और कूद पड़ो, यानी कि बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। होप अगेंस्ट होप, अब आशा ही आशा के विरुद्ध हो जाए तो हो गया निराशाजनक, चलिए सीधा सा मतलब है। हॉर्नेट नेस्ट, हॉर्नेट नेस्ट मतलब बहुत बड़ी समस्या, ये देखिए हॉर्नेट नेस्ट, मधुमक्खी के छत्ता, बिरनी के छत्ता, हड्डा के छत्ता, ये मान लीजिए घर के आप जहाँ से निकलते हैं वहीं बिरनी जो है छत्ता बना रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगर छत्ता बना ले तो क्या होगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, निकलेंगे तो डर लगेगा, आएंगे तो डर लगेगा, और हो सकता है काटेगा भी। तो ऑरेंज नेस्ट आपके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या के लिए सिंबल है, इडियन फ्रेज है। हॉर्स ऑफ ए डायलेमा, हॉर्स ऑफ ए डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। ये फिगर से देखिए दुविधा क्या कहलाता है, एक आदमी है इधर एक अच्छा सोच वाला, हर आदमी का कुछ ना कुछ कभी कभी आदमी का जो दुविधा आता है, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, डिक्शनरी में देखिएगा डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। तो हर आदमी का दुविधा होता है, कुछ भी आप सिलेक्शन करने चलते हैं तो आपके मन में आता है कि ये कर लें, फिर कहते हैं नहीं ये मत करो, फिर कहते हैं ये कर लें, तो ये दुविधा आती है, तो ये दुविधा हो गया। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मतलब होता है व्यर्थ का शोरगुल, तो यहाँ से क्राई का मतलब ही हो जाएगा शोरगुल, हल्ला करना। आगे हॉन्की डोरी, हॉन्की डोरी मतलब होता है संतोषजनक, बहुत अच्छा, इसका कोई ट्रिक नहीं फ्रेंड, आप इसको बस ऐसे ही देख लें या फिर नोट कर लें, ट्रिक अगर आपको लगता है कि बन जाएगा तो आप हेल्प करें हॉन्की डोरी के लिए। चलिए लास्ट है आज का, हस्बैंड वंस रिसोर्स यानी संसाधनों को जुटाना। ये देखिए कि एक घर में दो तरह के जन होते हैं, एक क्या कि सब कुछ मतलब कि मैनेज करने वाला, और एक जो संसाधन जुटाने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से वाइफ जो होती हैं घर को संभालती हैं, और जो हस्बैंड होते हैं वो सारे सामान जो है घर की ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो ये संसाधन को जुटाना हो गया। और चलिए इतना हम लोग रिविजन कर लेते हैं, जितना बचा हुआ है इसको फिर से हम काला ही कर देते हैं। चलिए पहले हम लोग नीचे कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए होप अगेंस्ट होप मतलब कि आशा के विरुद्ध आशा यानी निराशाजनक परिस्थिति। हॉर्नेट नेस्ट यानी कि ये देखिए मतलब कि क्या समस्या, बहुत बड़ी समस्या। हॉर्न्स ऑफ डायलेमा यानी कि दुविधा, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। ह्यू एंड क्राई मतलब शोरगुल, क्राई का मतलब शोरगुल। हॉन्की डोरी इसका मैंने ट्रिक नहीं बताया, आपको बताना है। हस्बैंड वंस रिसोर्स यानी कि संसाधनों को जुटाना। चलिए अब आगे ऊपर वाला इसको भी कर लिया जाएगा,
याद तो एकदम निश्चित होता है, एडियन फ्रेज बहुत आसान होता है याद करना। चलिए यहाँ देखिए, हाई एंड ड्राई मतलब हो गया कि डरा दिया किसी को, डराई तो मतलब अकेला है तभी तो डराया आपने, अकेला निशा है इसका। फिर है और हाई एंड लो यानी कि ऊपर नीचे बाएं दाएं सब जगह, हाई हैंडेड मतलब हो गया हैवी हैंडेड, हाई हैंडेड सबका मीनिंग कहीं ना कहीं उदंड बेमानी भरा ये सब होता है। हिट और मिस, या तो हिट होगा नहीं तो मिस होगा, ये निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्चित। हिट द बुल्स आई, आपने बुल्स के आई में जाके हिट किया है यानी कि एकदम सटीक निशाना है। हिट द नेल ऑन द हेड, ये हो गया आपका क्या, किसी को सही समय पर याद दिलाना, तो सही समय पर याद दिलाना हटा दीजिए तो सिर्फ कर दीजिए सही समय पर, सटीक एवं सही समय पर। ऑप्शन चॉइस, तो ये देखिए ऐसा चॉइस जो कुछ बचा ही नहीं हो इसलिए विकल्प नहीं बचना, संभावना है ही नहीं कुछ दूसरा विकल्प का। होल्ड ए कैंडल टू यानी कि समतुल्य, सभी एक साथ खड़े थे ना। चलिए होल्ड वाटर यानी कि गर्मी में पानी आपको मिल जाए, आप होल्ड पानी मतलब पानी धारण कर लें तो क्या होगा, वो आपके लिए एकदम सही होगा, सही हम तार्किक है इसका मीनिंग। होल एंड कॉर्नर मेथड, ये हो गया गुप्त तरीका बेमानी भरा। हुक लाइन एंड सिंकर यानी कि हो गया पूर्ण विवरण, इसका अच्छा से नहीं बता पाए थे। होप स्किप एंड जंप यानी कि हो गया आशा छोड़ो जंप लगाओ, एक दिन जरूर बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे, यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना था, यहाँ इस बिंदु के पास पहुँचना था, यहाँ से मैंने जंप लगाया यहाँ पहुँचा लेकिन थोड़ा सा दूर रह गया तो बहुत नज़दीक हो गया इसका मतलब। होप अगेंस्ट होप इस तो नीचे हो गया फ्रेंड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड, प्लीज़ आप सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त अगर तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मदद हो जाएगी। और हाँ, इसका मैं PDF नहीं बना पा रहा हूँ फ्रेंड, वीडियो बनाने पर जो हिंदी का जो फॉन्ट है वो वापस इंग्लिश में हो जा रहा है, मतलब इंग्लिश जो है मतलब कुछ अटपटा सा, जैसे हिंदी फॉन्ट जानते हैं ना कि पॉ लिखने के लिए आपको पॉ लिखने के लिए आई दबाना पड़ता है, बहुत मतलब किस फॉन्ट जगह तो आई में हो जाएगा, उल्टा सीधा में कुछ समझ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप MB प्रकाशन बुक ले लें, कब तक आप PDF डाउनलोड करते रहेंगे। ओके अच्छा हाँ, PDF अगर मतलब कि MB प्रकाशन बुक लेना चाहते हैं तो मैं अपना एफिलिएट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड मतलब कि मंगा सकते हैं या फिर उसका शक्ल देख करके आप खुद जाकर दुकान से ले सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।